किशोरी के साथ मारपीट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नारी सुरक्षा को लेकर बड़ी ही गंभीरता से काम कर रही है। ऐसे में महोबा जनपद में योगी सरकार का खौफ देखने को नहीं मिल रहा है। दबंगों की दबंगई से परेशान या पीड़ित परिवार न्याय की आस लगाए दर दर भटकने को मजबूर है। यह रोते बिलखते परिवार को जब स्थानीय पुलिस से न्याय नहीं मिला तो SP की चौखट पर जा खड़ा हुआ और न्याय की गुहार लगाने लगा। पिता ने जब आप बीती बताई तो छलक गए पिता की आंखों से आंसू। पीड़ित परिवार का कहना है कि बीती 11 तारीख रविवार को हुई घटना की जब पुलिस कंप्लेंट की तो पुलिस ने 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा पीड़ित परिवार से राजीनामे का दबाव बना रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस कह रही है कि राजीनामा कर लूँ, नहीं तो उल्टा मुकदमा लिखकर तुम्हारा करियर खराब कर देंगे। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला महोबा जनपद के चरखारी थाना क्षेत्र के मेला ग्राउंड काशीराम का कॉलोनी का है, जहां बौद्ध प्रकाश अपनी दोनों बेटियों के साथ अपना जीवन यापन करता है। ऐसे में पड़ोस में रह रहे दबंगों की दबंगई से आहत यह परिवार न्याय की आस लगाए दर बदर भटकने को मजबूर है। पड़ोस में रह रहे देवी चरण अपने शराबी साथियों के साथ शराब के नशे में उत्पाद मचा रहे थे, तो पीड़िता ज्ञानवती ने इसका विरोध किया तो शराब के नशे में धुत देवी चरण और उसके साथियों को अमर्यादित शब्दों के साथ मारपीट करने लगे। पिता सहित बेटी को भी बेरहमी से मारा, जिसके बीते रविवार 11 तारीख को पुलिस कंप्लेंट की तो पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उल्टा ही पीड़ित परिवार को डरा धमका कर राजीनामा करने का दबाव बना रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई और उल्टा हमें ही मुकदमा लिखकर करियर खराब करने की धमकी दे रही है। क्या नाम है आपका? ज्ञानवती। आज आप SP ऑफिस आए हैं, क्या हो गया? सर, मैं पढ़ने वाली स्टूडेंट BSA अकेडमी में पढ़ती हूँ, तो मैं कोचिंग से आई कंपटीशन कोचिंग पदवी विवेकानंद, तो मतलब बगल में पड़ोसी रहते हैं तो तारे रोज गाली देते, रोज मना करते, नहीं मानते। इस दिन मतलब डिस्टर्ब कर रहे थे तो मैंने बोला क्यों दे रहे हो, कह रहे तुम्हें क्या करना, वो हाथ उठा दिया। फिर दूसरे बाहर से बुलाया तो एक बहुत बड़ा भारी डंडा लिए था, दीपू नाम है और देवी चरा तमाचे कान में मारे, तो मैंने सुनाई तक नहीं दे रहा कुछ भी, बहुत दर्द कर रहा है, पेट में लात मारे, पेट में बहुत दर्द, हाथ में बहुत खून निकला मेरे को, चक्कर भी आ रहा है, सर दर्द कर रहा मेरा। पुलिस में शिकायत की थी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा क्यों नहीं पकड़ा, मुजरिम फरार फेरा, कह रहे मैं नहीं पकड़ूंगा, पकड़ूंगा तो मारूंगा नहीं। मैंने ऐसा क्यों इंसाफ, कह रहे अगर मैं कुछ बोली तो बोल रही थी बदतमीजी कर रही है, तुम्हें सभ्यता नहीं है बोलने की। फिर कह मैंने कि मुझे इंसाफ चाहिए, कह रहे चुप रहा, कह रहा आगे मैं केस कर दूंगा ना तो आगे कुछ भी नहीं कर पाएगी, तो तेरा पूरा भविष्य खराब हो जाएगा, पुलिस बोल रही थी उल्टा। अब कल हमको थाने में बुलाया, 2 घंटे तक हम बैठे रहे, मुजरिम को सामने बैठा रहा वहीं पर, उसको कुछ भी नहीं बोला ना पकड़ा, सामने बिल्कुल उसका भाई वकील है बगल में गया, बात कर ली जो भी हो, पैसा जब मुझे नहीं पता पैसा दिया क्या दिया, हम दोनों बैठे रहे वहीं पर। फिर वो भी जो प्रवीण कुमार है, जो भी प्रवीण कुमार थाने में है, जो भी हो इंस्पेक्टर है, जो भी हम मुझे नहीं पता, प्रवीण कुमार सिंह है उसका नाम। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है, धमका रही है, कह रही है अगर मैं केस कर दूंगा तो अभी तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। मुझे पढ़ना है और वो कह रहे कि तुम्हारा करियर खराब, कह रहे मैं कुछ नहीं करना। हम दोनों बैठ रहे, वकील है उसका भाई, उससे बात की और चाहे पैसा ऐसा कुछ भी हुआ, 3 दिन से मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा, मुझे निगाह तक भी नहीं जा रहा, मेरी 3 दिन से पढ़ाई बर्बाद हो रही है। सर ऐसे मेरी सिस्टर है, मेरे बगल में पड़ोसी रहते, देवी चरण नाम है, और उसका मौसी का लड़का दीपू, ये लोग शराब पीते हैं, बहुत ड्रामा करते, गाली गलौज करते। मेरी सिस्टर ने मना किया, पढ़ के कोचिंग आई कि ये सब गाली वाली क्यों देते, मानते नहीं है, तो उसने इसको पकड़ के मारा, और उसने जो उसके साथी थे उसको बुलवाया तो उनने भी पेट में लात मारी, डंडा लाया, हाथ फाड़ दिया और भगा दिया उसको, जब तक हम बीच बचाव करने आए, उसके इतने पेट में दर्द है। पुलिस में हम गए कंप्लेन करने तो कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी,
उधर पे डॉक्टरी हुई रिपोर्ट उधर सरकारी हॉस्पिटल में, पुलिस भी साथ में, उन्होंने डॉक्टरी कागज भी रख लिए, रिपोर्ट भी रख ली, हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। और कल हमें बुलाया तो वो ऊपर से धमकी दे रहे राजीनामा, पुलिस भी कह रही है अगर आप लोग क्या कहते केस नहीं लेंगे वापसी तो आपका चरित्र खराब कर देंगे, अगर केस कर देंगे आगे कुछ नहीं आप कर पाओगी। तो सर ऐसा होता है ना इंसाफी, और मारपीट हो रही और इतना सब कुछ हो रहा, पुलिस भी हमारी कोई नहीं सुन रही, वो लोग आप क्या कहते पैसे दे दिए उनने जो भी हुआ हमें ये सब पता नहीं, आपसी में उनने बात कर ली और हमारे साथ कोई भी कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही। ऊपर बढ़ते रात को आया धमकी दे रहा 2-3 लोगों को लेवा के, अगर आपने राजीनामा नहीं किया ना तो आगे अच्छा नहीं होगा, रास्ते में अगर जाती आती अब और मारेंगे, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। बताइए सर ये क्या है, अब हमें इंसाफ चाहिए। हमारी सिस्टर को इतना मारा कि उसके पेट में इतना दर्द है कि वो कुछ नहीं कह पा रही, ऐसी बीमार की तरह पड़ी। क्या नाम है आपको? बुद्ध प्रकाश। तो आप यहाँ पर शिकायत लेकर आए हैं, क्या शिकायत लेकर आए? हमारी लड़की को मारा है साहब। की किन लोगों ने मारा? एक दीपक नाम का है, एक देवी चरण बगल में रहता है, वो दारू वाला हमको बुलाता है, दारू पिलाता है, बदतमीजी रोज बात करता है, हमारी लड़कियाँ पढ़ती हैं ये मना करती हैं तो गाली गुल्ला देता है। वो दिन इतवार का दिन था, हम लोग हमारी यहाँ की बनी, हम छत पर लेटे थे, हमारी जो बिटिया कहीं है थी इन जल पोचन से पढ़ के आई, गाली गुल्ला दे रहा था, गाली गुल्ला इसने मना करी, इसको बिटिया को मारा है, पेट में मारा, लात मारी और घूसा मारी इसके मुँह में, और इसके सर लाते मारी खी बड़ी डंड बोले तो बल्ली, वो हाथ तो हाथ में मारा तो हाथ पूरा फट गया। हमने डॉक्टरी भी कराई, वही डॉक्टरी रिपोर्ट आपने पुलिस को शिकायत की थी? जी हाँ सर, हमने रिपोर्ट की सर पुलिस में। उन्होंने किया कि हम करेंगे कार्रवाई करेंगे उसके देखेंगे, फिर एक दो दिन बाद उनसे पता नहीं मिल गए क्या कर रहे, फिर हमको आते तो धमकी दिए थे तुम ऐसा करोगे ऐसा कर लेना, आप राजीनामा करो कर लेना नहीं तो हम तुम्हारे तरह बिगाड़ देंगे बेटियों को, हम और मारेंगे तुमको, बेटियन को छोड़ कर तुमको भी पकड़ के मारेंगे हम लोग, जो हमको धमकी दिए थे यहाँ के। और हम बताओ साहब क्या करें, हम गरीब आदमी, हम मजबूर आदमी, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, बताओ हम मजबूरी दिखाते हैं, वही लड़कियों को पढ़ाते हैं, वही हमारी लड़की बदतमीजी बात बोलते हैं आदमी से, तब और जो हमको धमकाते हैं जो पुलिस वाले आके वो मार मार पीट को, एक वकील उसका भाई वो आया कल रात में हमारी बेटियों को धमकाता रहा, वकील एक ठैया उसी का भाई दीपू का मनोज नाम उसका है, वो कोर्ट में वकालत करता है, वो धमकाता है, आए थे रात में 2-3 लड़के लेके, कह रहे थे हम सारे तुम्हारे लड़कों को सारे को पकड़ाएंगे, हम जो करेंगे वो केस रखेंगे, साले हर रोट ना पाओगे कभी ज़िंदगी में, साले जेल में बंदे रहोगे, हमको यह साहब जी धमकी देता है वो आके, बता हम गरीब आदमी, हम मजबूर आदमी, कैसे हमारा गुजारा होगा, बगैर गुजारा कर हम काम करते नहीं है, कभी करते लग जाता कभी पालते हैं, हमारी साहब आँखें बनी हैं, हमको बहुत परेशानी साहब, हमको उन्होंने 2-3 तमाचे हमको मारे थे, देवी चरण ने हम ऊपर लेटे थे साहब छत पर, काशी राम कॉलोनी में रहते हैं, ये घटना है जी साहब 11 तारीख के इतवार का दिन था। रिपोर्टर संदीप कुमार, स्थान महोबा।